आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी गुजरात में गिफ्ट सिटी की स्थापना की तो उनके मन में बहुत सारे विचार भी थे और गुजरात को गिफ्ट सिटी आर्थिक कैपिटल के तौर पे उभरे, पूरे देश में पूरी दुनिया के अंदर इसके लिए इसकी स्थापना की थी। गिफ्ट सिटी का बहुत सारा विस्तार भी हुआ, आज दुनिया के अंदर ये गिफ्ट सिटी, यहाँ फिनटेक भी है, आईटी सेक्टर है, बहुत सारे मेडिकल सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर यहाँ पर पनप रहे हैं। बाहर के देश के लोगों और देश के अंदर के लोगों भी यहाँ पर बिजनेस के लिए आते हैं, तो उनके लाइफस्टाइल से मैचिंग भी करना पड़ता है। जो उनकी लाइफस्टाइल और सामाजिक तौर पे जोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी गुजरात में गिफ्ट सिटी की स्थापना की तो उनके मन में बहुत सारे विचार भी थे और गुजरात को गिफ्ट सिटी आर्थिक कैपिटल के तौर पे उभरे, पूरे देश में पूरी दुनिया के अंदर इसके लिए इसकी स्थापना की थी और गिफ्ट सिटी में सेस का भी प्रोविजन किया था। बाद में गिफ्ट सिटी का बहुत सारा विस्तार भी हुआ और ये विस्तार की वजह से और आज दुनिया के अंदर ये गिफ्ट सिटी, यहाँ फिनटेक भी है, आईटी सेक्टर है, बहुत सारे मेडिकल सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर यहाँ पर पनप रहे हैं, यहाँ उभर भी रहे हैं। लेकिन कहीं पर ये जैसे आईटी का हो, फिनटेक का हो, तो बाहर के देश के लोगों और देश के अंदर के लोगों भी यहाँ पर बिजनेस के लिए आते हैं, तो उनके लाइफस्टाइल से मैचिंग भी करना पड़ता है। यहाँ आकर दो दिन रुकना हो, तीन दिन रुकना हो, चार दिन रुकना हो, बिजनेस करना हो, बिजनेस मीटिंग करना हो, तो जैसे विदेशों के अंदर भी और देश के दूसरे राज्यों के अंदर भी जो उनकी लाइफस्टाइल और सामाजिक तौर पे जोड़ने के लिए ये हमने निर्णय लिया है। और मैं मानता हूं कि जो हर्डल्स गुजरात के ये गिफ्ट सिटी, वैसे तो 30-40 कंपनियां विदेशों से भी आई है और करीबन 500 जितनी कंपनियां अभी कार्यरत भी है, 13,000 से 14,000 लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी मिले और साथ में गुजरात केवल अपना ही नहीं लेकिन देश के विकास के लिए ये जो मॉडल खड़ा हुआ था और गिफ्ट सिटी जैसा इकोनॉमिक हब जैसे सिंगापुर है, दुबई है, ऐसा हमारे यहाँ गुजरात में यह हब के लिए जो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस थी उसके द्वार हमने खोल दिए।